विनयमार नई दिल्ली में स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है और इस पेंटिंग्स के रचयिता पंकज मनचंदा आज हमारे साथ हैं। हम उनसे इस पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पंकज, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी आपके साथ बैठने का, इस इंटरव्यू का। पंकज, ये बताइए कि ये जो पेंटिंग्स आपकी हैं, ये बिल्कुल अलग किस्म की हैं, अलग जॉनर की हैं, जो हमने और पेंटिंग्स देखी हैं उनसे अलग है। हाँ जी सर। तो ये क्या है, पहले हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी सर, इसके पीछे इंस्पिरेशन आती है जो हाउस ऑफ लासिया हमारा ब्रांड नेम है। लासिया पार्वती जी का डांस है तो जिससे सब अच्छी चीज़ों की रचना हुई है, तो इसकी रचना के पीछे वही इंस्पिरेशन है कि हम इसको देखें तो इसकी सुंदरता को हम देखते ही रहें। हम पेंटिंग्स को देखते हैं, पेंटिंग्स बहुत सुंदर लगती हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाया जाए, तो ये हमारी पीछे इंस्पिरेशन थी। तो हमने इस पर हैंड पेंटेड जो पेंटिंग्स होती हैं उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल ये किया है कि हम उस पर जो हमारी इंडिया की टेक्निक्स हैं, एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स हैं, जरदोजी है, मुकेश है, काची है, पिट्टा है, उसको इनकॉर्पोरेट करके हैंड पेंटेड सिल्क फैब्रिक के ऊपर, हैंड पेंटेड के ऊपर और एम्ब्रॉयडरी करके उसको उठाया है, 3D इफेक्ट दिया। तो ये हाथ से बनाते हैं? टोटल हाथ से बनता है, इसमें कोई मशीनी काम नहीं है, सारा हाथ से। इसमें दिनों दिन लग जाते हैं इसको बनने में, एक एक सेंटीमीटर उसका गढ़ने के अंदर घंटों घंटों लग जाते हैं। जैसे ये श्रीनाथ जी, ये पेंटिंग बनने के अंदर 38 दिन लग गए। जो इसका हैंडवर्क है वो पेंटिंग का काम इसका, वो अलग से, उसके दिन अलग से, तो इनमें बहुत टाइम लगता है। तो आपने यही जो है जॉनर क्यों चुना? अब मेरी वाइफ जो है वो क्रिएटिव देखती हैं, मैं ऑपरेशन पार्ट देखता हूँ, तो वो ढूंढ रही थी लास्ट दिवाली घर के लिए ना एक डिवोशनल पेंटिंग ढूंढ रही थी, तो उन्हें नहीं मिली जैसी हमें चाहिए थी। उनके मन में आया कि कुछ और सुंदर बनाया जाए, तो उन्होंने कहा मुझे ये करना है। तो बहुत स्ट्रगल के बाद हमने वो सेटअप जो है वो किया और आज ऑलमोस्ट एक साल हो रहा है, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये सर्च थी कि हमें कुछ चाहिए सुंदर और वो हमें नहीं मिला, तो हमने उसे बनाया। जब आपको एक पेंटिंग बनाने में 10-15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, हाँ, इसका मतलब ये है जो आपने यहाँ पेंटिंग्स लगाई हैं, हाँ, उनको बनाने में आपको एक साल से ऊपर लग गया होगा। एक साल आज हमें हो रहा है, तो ये जो रिज़ल्ट है, 64 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इसमें छोटे से लेके बड़े तक कम से कम भी तो 5 दिन तो लग ही जाते हैं छोटी से छोटी। हमने जो देखा है इसमें ज़्यादातर डिवोशनल पेंटिंग्स हैं, तो आपने डिवोशनल पेंटिंग्स ही क्यों चुनी? आजकल की मॉडर्न पेंटिंग्स भी तो ऐसे बनाई जा सकती हैं। हाँ जी, हम डिवोशनल पेंटिंग ढूंढ रहे थे, तो हमें डिवोशनल पेंटिंग ऐसी मिल नहीं रही थी, तो हमने शुरू किया डिवोशनल से। शुरू में डिवोशनल्स ही बनती रही, फिर USA और कनाडा में कुछ पेंटिंग्स गई, उन्होंने वहाँ से कहा कि ये बहुत अच्छी हैं, हमें कुछ थोड़ा सा मॉडर्न भी बना देंगे आप, तो हम बना देंगे बिल्कुल मॉडर्न। तो हमने फिर मॉडर्न के अंदर इटली से इंस्पिरेशन ली, इजिप्ट से इंस्पिरेशन ली, इंडिया से इंस्पिरेशन ली, हमने अपने इंडियन हेरिटेज जो राजा महाराजा हैं उनसे इंस्पिरेशन ली, तो ऐसे करके उसमें कुछ फ्यूजन किया कि आपस में इंटर कल्चरल काम हो जाए। वो हमारी अगर इंडियन हेरिटेज की भी चीज़ें लगाते हैं तो उन्हें ये ना लगे कि ये हमसे अलग लग रही हैं थोड़ी, तो वहाँ भी फिट हो जाए। जैसे कि डेविड हैं, डेविड बिहाइंड द पिलर रिप्रेजेंट्स इटली, तो वो इतना 3D इफेक्ट देती है वो पेंटिंग, आप उसको यूं घूम के देखना चाहेंगे तो वो बिल्कुल अलग 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 अपने वर्जन देगी, और कोई भी इटालियन उसे देखेगा तो वो उसको अपने घर ले जाएगा और वो इंडिया का आर्ट इटली पहुँच जाएगा। ऐसी उसके साथ में नेफर्टिटी हैं, तो इजिप्ट के जो लोग हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि उनका आर्ट अब जस्ट एक पेंटिंग तक सीमित नहीं है, वो पेंटिंग से आगे उसमें हमारे इंडिया की एम्ब्रॉयडरी टेक्निक भी आ गई है, और वो इतने महीन तरीके से वो काम होता है कि जो उसको देखता है उसे अप्रिशिएट करता है। इसके ऊपर आपने शीशा भी नहीं लगाया, हाँ जी, उसका क्या कारण है? मतलब वैसे तो अब भारत में डस्ट बहुत होती है, हाँ जी, तो इसको बचाव करने के लिए, इसका रखरखाव के लिए
शीशा नहीं लगना चाहिए था। उसमें हमने बहुत प्लानिंग की, हमने शीशे वाले कुछ पीसेस डिस्प्ले पे हैं, वो इसलिए डिस्प्ले वाले कुछ शीशे वाले रखें कि आप साथ साथ उसका डिफरेंस देख सकें। जो बिना शीशे के हैं ये सेम श्रीनाथ जी पीस उधर शीशे के साथ भी हैं, लेकिन जो बिना शीशे की ब्यूटी उसकी रिफ्लेक्ट होके आती है वो शीशे में थोड़ी सी हाइड हो जाती है। तो पीस सिमिलर है लेकिन ग्लास लगने से थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, प्रोटेक्शन हमें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो वो पर्सनल चॉइस है, ग्लास भी ऐड हो सकता है, पीस इज एज ब्यूटीफुल, उसमें कुछ नहीं है। द वे वी गिव इट, आप ग्लास उतार लीजिए, लगा दीजिए, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और 5 मिनट का टाइम। ये फॉर एग्जाम्पल डेविड वाली पेंटिंग जो है, इसमें हमने ये पिट्टा वर्क है, मेटल वायर है, इसको इस साइड से बीट करा हमने तो वो इस साइड से दब गया, इसको इस साइड से बीट किया है वो इस साइड से दब गया। आप घूमते हुए इसको देखेंगे तो हर तरफ से 3D इफेक्ट देगा आपको। सिमिलरली ये भी जो ग्लास बीड्स में वर्क है, ये जापनीज बीड्स यूज़ करते हैं हम, मियुकी बीड्स होते हैं ये, ओवर द ईयर्स ख़राब नहीं होते, उनकी चमक ऐसी रहती है। तो आपकी जो पेंटिंग है, जो आपका आर्ट है, ये सालों साल वैसे ही दिखेगा। और इसको पीछे से वॉल की सीलन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ACP शीट जो होती है, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, वो इसलिए लगाते हैं कि दीवार की सीलन इसमें ना जाए। उसके अंदर जो इसका बेस है वो वाटरप्रूफ प्लाई का लेते हैं हम, अगर बेंड नहीं होती है, अगर MDF पे लगा देते हैं वो कल को बेंड हो जाती है। ACP शीट के नीचे प्लाई लग गई वाटरप्रूफ, अब उसने कहीं नहीं जाना, वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है, उसको मॉइस्चर से कोई अफेक्ट नहीं आता है। ग्लास ऐड करना है, यहाँ से हम स्क्रूज खोलते हैं, ये L हिंजेस लगे हुए हैं, ये स्क्रूज खोलते हैं, ये पेंटिंग को हटाते हैं, ग्लास वापस लगा के इसको स्क्रू कर देते हैं, आपकी पेंटिंग पे ग्लास आ गया रेडी। इसमें मार्केट में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये एक स्क्रू ड्राइवर से कोई भी खुद ही इसको खोल के और ग्लास फिट कर सकते हैं। हाँ जी, बस इसका ग्लास का साइज पता लग जाए। हाँ जी, वो हम साथ देते हैं, वो ग्लास में जो है वो पेंटिंग के साथ में आता है। ऑप्शन आपको कभी भी ऐड करनी हो, आप उस साइज का ग्लास, रेकमेंडेड 5mm का ग्लास ले लीजिए। और एक आपकी पेंटिंग में देखिए, लायन जो है उसकी पेंटिंग है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो उसकी क्या खासियत है, कैसे बनाई है आपने? उसकी खासियत ये है कि उसमें हमने 100 कलर्स यूज़ किए होंगे एक लायन फेस में। उसमें जो उसका हेयर का स्ट्रैंड होता है लायन का, एक एक स्ट्रैंड के अंदर चार पाँच कलर्स यूज हुए हैं। इसमें आप देखेंगे इनकी आइज जो हैं वो थ्रेड वर्क से बनी है, और बाकी ये सब ग्लास बीड्स हैं, जापनीज मियुकी ग्लास बीड्स आते हैं, इनका कलर वैसे का वैसा रहता है, कुछ नहीं होता इसमें। आप जितना दूर जाते जाएंगे, जितना पास आते जाएंगे, वो इतना 3D इफेक्ट देता है कि कॉन्वर्सेशन पीस बन जाता है जहाँ भी लगे। एक आर्टिस्टिक व्यू से विदाउट यूजिंग पेंट और ब्रश हमने उसको ग्लास बीड्स के अंदर ही इतना कलरफुल कर दिया। बहुत बढ़िया, तो फॉरेनर्स भी इसको अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जो आप इस तरह की पेंटिंग्स देखी हैं आपने, किसी और को बनाते हुए? नहीं, हमने इस टाइप की बाहर नहीं देखी, लेकिन जो हमारी बाहर गई हैं पेंटिंग, तो जो हमारे भारतीय भाई हैं उनके घरों में जो फॉरेनर्स आते हैं उन्होंने लगी हुई देखी हैं, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से हमने कुछ पीसेस इटली को, रोमन कल्चर को, इजिप्शियन कल्चर को नज़र रखते हुए बनाए हैं, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, उनके घरों में लगी हैं। तो आपने वहाँ भी एग्जीबिशंस लगाई हैं, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर एग्जीबिशन नहीं, अभी वर्ड टू माउथ हो रहा है, जिनके यहाँ लगी हैं वो उनके यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो देखते हैं। तो उससे अभी हमारी प्लानिंग है आगे USA, मैं एक्चुअली USA में मेरा घर भी है, तो मैं 20 साल से USA में था अभी, तो वहाँ का कल्चर भी जानता हूँ, वहाँ मार्केटिंग और वहाँ जो सोसाइटी में कैसे प्रमोट करनी है चीज़ों में जानता हूँ, तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। इंडिया का आर्ट है, उन घरों में भी पहुँचाएंगे हम। तो इसमें जो आपने मटेरियल यूज़ किया है वो सारा इंडिया से ही सोर्स करते हैं? हाँ जी, हम इसमें हाई क्वालिटी सिल्क यूज़ करते हैं, मोस्टली रॉ सिल्क, उसका टेक्सचर अच्छा रहता है, उसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने के बाद हम उस पर वार्निश कर देते हैं। वार्निश से क्या होता है कि एकदम सील हो जाता है फैब्रिक, आपका कलर भी सील हो गया, उसमें डस्ट भी नहीं जाएगी। तो हम कुछ टेक्निक्स ऐसे करते हैं कि वो सस्टेनेबल हो जाए आपका प्रोडक्ट, आप उसको जनरेशंस में आगे अपनी बच्चों को पास ऑन कर सकें। अगर पेंटिंग में हमने 40 दिन लगाए हैं बनाने में, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम नहीं चाहते कि वो आपकी चीज़ कुछ ही साल चले, हम चाहते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाए।
और उसके बाद उसकी केयर जो है बहुत इजी हो जाती है, आपका पेंटेड एरिया तो पूरा सील हो गया, इसको आप एक सिंपल ब्रश से ब्रश ऑफ कर दीजिए या फिर एयर ब्लोअर जो होता है उससे उसकी डस्ट हर हफ्ते 10 दिन में ब्लो कर दीजिए। एक जो बटरफ्लाई वाली पेंटिंग है, हाँ जी, उसकी क्या खासियत है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट लाइन पे है, आप दूर से देखेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आएगा कि ये एक लड़की है और साथ में उसके नोज़ पे आके बटरफ्लाई बैठ रही है। आप पास आएंगे तो मतलब वी द थॉट वाज कि मॉडर्न आर्ट बनाएं, और इसके अंदर जो कलर्स यूज़ हुए हैं, उसके हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं वो मल्टीपल कलर्स में हैं, और यहाँ उसके विंग्स हैं, ये पीछे शी इज़ अ फेरी टेल, शी इज़ अ फेरी, एंड बटरफ्लाई के अंदर भी नंबर ऑफ कलर्स हैं। ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्ट क्रिएट करने का हमारी टेक्निक से। और ये कॉलिजियम ऑफ इटली, तो एनी इटालियन कैन बाय इट, हर इटालियन को अपने घर से करीब लगेगा इस पेंटिंग को अपने घर पे लगा के। CSOI सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट के जनरल मैनेजर कर्नल विजय यादव हैं जिन्होंने ये एग्जीबिशन लगाने में एक अच्छी भूमिका निभाई है। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ये जो चुनी है एग्जीबिशन के लिए जो पेंटिंग्स, ये बहुत बढ़िया और लोगों ने अप्रिशिएट भी बड़ा किया है, तो ये आपने पहले कहीं देखी थी या क्या, कैसे आपने चुनाव किया? सर, हमारे यहाँ सब कमेटीज़ हैं क्लब के अंदर जो ये कॉल लेती हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो मोटिवेटिंग पेंटिंग्स होती हैं जिसमें अच्छा क्राफ्टमैनशिप होता है, उसी को कमेटी पास करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पेंटिंग्स हैं, ये जो डिस्प्ले हुई हैं, दे आर वेरी वेरी हाई एंड एंड लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पुट इन, एंड दिस इज़ हैंडमेड, हैंड वोवन एंड हैंड एम्ब्रॉयड आल्सो, एंड फाइन नीडल वर्क इज़ देयर सर। तो इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में आप करने वाले हैं? अदर देन दी आर्ट गैलरी, हमारे पास यहाँ पे ऑडिटोरियम है, जिस ऑडिटोरियम में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेज शोज होते हैं, यहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, यहाँ पे लाइव सिंगिंग होती है, एंड इसी तरीके से बहुत तरीके के नाटक हैं वो होते हैं। बाकी अगर कोई पोइट्री में है तो वो अपनी पोइट्री भी करता है, या कोई भी इवेंट जो कि यंग यूथ को मोटिवेट करता है वो होता है हमारे। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्री कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और उनके सारे कलाकार आए थे, जिसके अंदर डिफरेंट डांसेस परफॉर्म हुए थे, जिनके अंदर डिफरेंट शोज़ परफॉर्म हुए थे। जी हाँ, क्योंकि मैं भी CSOI का मेंबर हूँ तो हमने सब होते हुए देखा है और बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है, लोग एंजॉय करते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो इट्स ए गुड आइडिया और आपको बधाई, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और पंकज बता रहे थे इन पेंटिंग्स के बारे में, जो एनिमल्स की पेंटिंग है, थोड़ा इसके बारे में हमें कुछ और बताइए। सर, ये वी वॉन्टेड टू डिस्प्ले कि जो इंडिया के एनिमल्स हैं, इट्स ए रॉयल कंट्री, तो दीज आर आर रॉयल एनिमल्स, तो हमने उनको सजाया है, उस पर ज्वेलरी लगाई हैं, तो जो हमारे एनिमल्स हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको रॉयल एनिमल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब इतना अच्छा हमारे को प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे डिस्प्ले करने का, सबने इतना अप्रिशिएट किया है, तो हमारी इच्छा है कि कुछ पीसेस जो CSOI को अच्छे लगें वो हम परमानेंटली CSOI में डिस्प्ले के लिए दे दें। ये तो बहुत अच्छा जेस्चर है आपका। इस पे कितना कॉस्ट कितना आता होगा? काफ़ी कॉस्टली पड़ती होंगी? डिपेंड करता है, हमने अब कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है कि वो अपना घर तो ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, अब इंटीरियर डिज़ाइनर उनको साइज़ देते हैं कि हमारे को इस साइज़ की यहाँ पे लगानी चाहिए, जैसे सोफ़ा के पीछे वॉल है, बेड के पीछे वॉल है, तो वो साइज़ उनको निकाल के देते हैं। अब उनका बजट होता है कि हम इस साइज़ का इस बजट में कर दें, हम अगर ऐसे पूरा एक एक सेंटीमीटर एक एक मिलीमीटर घट देंगे तो उसकी कॉस्ट लेबर कॉस्ट की वजह से बढ़ जाती है, बट अगर हम एक एक लाइन दो दो लाइन छोड़ के वर्क को चलाएंगे तो उसकी कॉस्ट हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ हो जाती है, तो हम आपके बजट के अंदर उसको बना के दे देंगे और इक्वली ब्यूटीफाई कर देते हैं उसको रिगार्डलेस ऑफ द बजट। आपको बहुत बहुत बधाई पंकज। थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लग रही है,
और हम चाहते हैं कि इसको और आगे आप बढ़ाएं और इसको दुनिया तक ले जाएं, सारी दुनिया में फैलाएं ये आर्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमस्कार।